हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों, हम लोग पहले बहुत सारा वीडियोस में हिप जॉइंट का जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको नो हाउ दिए थे। अभी मैं जो चाहता हूँ कि और एक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप जानें और उसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट लेके डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका ओवरऑल प्रोडक्ट या ब्रांड नेम है इनहैंसर। इनहैंसर हिप एंड जॉइंट फॉर्मूला। दोस्तों, क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग का घर में जो पेट रहता है वो पेट हम लोग का घर का जो टाइल्स है या जो मार्बल है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, और जब भी वो वेनिंग पीरियड से बड़ा होता है, यंग एडल्ट डॉग हो जाता है, तो बहुत उसका एनर्जी रहता है, वो घर में बहुत दौड़ता कूदता है। इंस्टीड ऑफ आउटडोर दे स्पेंड देयर एनर्जी इन इंडोर्स राइट नाउ इन अर्बन सिनारियो। इस अर्बन सिनारियो में ज़्यादातर हम लोग का घर में क्या रहता है, विट्रीफाइड टाइल्स रहता है या मार्बल रहता है। दोज आर वेरी वेरी स्लिपरी सरफेस, और ये स्लिपरी सरफेस जो है हम लोग का डॉग फ्रेंड के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग का डॉग फ्रेंड हम लोग के साथ रहेगा, दिस इज आवर डिज़ायर। इस डिज़ायर से हम लोग घर में पेट रखते हैं, और ये टाइल्स में बड़ा होता है और मार्बल में बड़ा होता है। इसके कारण क्या होता है, उसका जो हिंड लेग है, वो पीछे वाला जो पैर है, उसमें बहुत प्रेशर आता है, कभी कभी स्लिप होता है, कभी उसको चोट लग जाता है। वैसे तो ये चोट कभी कभी अराउंड 50-60% केसेस में नॉन हार्मफुल होता है, लेकिन इन 40% केसेस में क्या होता है, उसका हिंड लेग में जो चोट लगता है उसके कारण जो पेन होता है वो बाद में जाके हिप डिस्प्लेसिया के पास चला जाता है। मतलब हिप डिस्प्लेसिया का टाइप का बीमारी उसको आ जाता है, उसका कार्टिलेज बहुत लूज हो जाता है, उसका पैर का जो ओवरऑल शेप है उसमें डिफॉर्मेशन आता है, एंड ऑल्सो उसका पैर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, मतलब उस वो थोड़ा बेंड हो जाता है। मेरा चैनल में बहुत सारा वैसे सब्सक्राइबर है जो मेरे से पूछता है कि ऐसा अगर हो जाता है मैं क्या करूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट आई बिलीव इनहैंसर इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसके अंदर वो ताकत है आपका घर में जो पेट है उसको, उसका हिंड लेग को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से उसको एक शेप में लाने के लिए। तो दोस्तों, ये इनहैंसर में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है वो अदर प्रोडक्ट के साथ एक ही है, मतलब इसमें कोई मैजिक प्रोडक्ट नहीं है, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, और इसके कारण ये थोड़ा कॉस्टली भी है। बट दोस्तों, दिस इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, बिकॉज अगर वो बड़ा हो जाता है और उसका पैर बेंड हो जाता है, वो बेंड हो जाने के बाद उसको आप एडल्ट डॉग को कभी ठीक नहीं कर पाइएगा। उसका पैर में जो सफिशियंट स्ट्रेंथ होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि यंग एज में पप्पी का वैसा टेंडेंसी आने लगा है ड्यू टू टाइल्स एंड मार्बल, आप ये इनहैंसर आपका उसका जो फूड है उसके साथ मिक्स करके एटलीस्ट 90-120 डेज तक चालू रखिए। ये दिन में एक बार या दो बार दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। और इसके अंदर ग्लूकोसोमाइन और कॉन्ड्रोटीन जो है, दैट इज अ प्रूवन फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ हिप डिस्प्लेटिक डॉग्स, या जिसका हिप या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए दिस इज अ नेचुरल सप्लीमेंट। एंड दिस कॉन्ड्रोटीन सल्फेट इज कमिंग फ्रॉम द डिराइवेंट ऑफ अ व्हेल, मतलब जो मगरमच्छ है उसका शरीर में जो फिन के पास जो ऑयल मिलता है उसके साथ ये बनता है। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट कॉन्ड्रोटीन सल्फेट कैन बी गिवन टू योर डॉग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लूकोसोमाइन इज ऑल्सो अ प्रूवन फार्मूला फॉर ह्यूमन ऑल्सो एंड फॉर पेट ऑल्सो। सो इसका जो बोथ कॉम्बिनेशन है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है, इनहैंसर में आपको 100% मिलेगा। सो दैट इफ यू वॉन्टेड टू यूज अ बेस्ट हिप एंड जॉइंट फार्मूला supplement, then go for enhancer. Dosto, thank you so much for watching this channel. Keep watching. Thank you so much.